बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पहले से ही काफी एक्टिव दिखाई दे रही थी। अगर तैयारियों की भी बात करिए तो तैयारियां भी काफी तेजी से चल रही थी। फिलहाल इस वक्त हम भाजपा पार्टी दफ्तर में और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रथों को रवाना किया। फिलहाल ये रथे आप देखिए किस तरह से ये बिहार के तमाम जिलों में प्रचार प्रसार करने के लिए जाएगी। जो भी कार्यकर्ता है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जेपी नड्डा की गाड़ी जा रही है और देखिए विरोध की तस्वीरें यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जेपी नड्डा के गाड़ी के नीचे ही कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो घेराव कर रहे हैं, जेपी नड्डा को जाने नहीं दे रहे। देखिए उनके जो भी मंत्री हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जेपी नड्डा के गाड़ी का घेराव किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा। कार्यकर्ता गाड़ी को रोकना चाह रहे, जो भी नेता मंत्री जो भी उनके गार्ड हैं वो सुरक्षा कर्मी हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि सभी को भाजपा दफ्तर में मौका नहीं दिया जाता है, कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। टिकट की भी बात कर लिया तो ये हम लोग पे सोचते नहीं, हमने काफ़ी दिनों से भी मेहनत की है लेकिन हमारे बारे में कोई सोचता नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये वही रथ है, ऐसे काफ़ी रथ हैं जो बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे, भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यकर्ता जो हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए, और जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो दो दिन के दौरे पे पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी होती है, तमाम अहम अहम मुद्दों पे चर्चा भी की जाती है, उसके बाद वो भाजपा दफ्तर पहुँचते हैं। और ये कार्यक्रम आपको बता दें कि जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार जो रथ है उसे हरी झंडी दिखाकर यहाँ से भेजा गया। ये देखिए जो भाजपा के नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि इस तरह से आप ना करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गाड़ी का घेराव किया गया था, यहाँ देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है लेकिन जो नेता हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा बिहार में विधानसभा चुनाव है तो इस तरह की स्थिति परिस्थितियाँ तो सामने आती है, कार्यकर्ता नाराज होती हैं, बीजेपी में भी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। जो रथ हैं वो रवाना किए जा रहे हैं, बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे और एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही माहौल भाजपा दफ्तर में देखने को मिल रहा है। तैयारियां जो हैं वो काफ़ी तेजी से चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा इन दिनों सबसे आगे बिहार में दिखाई दे रही है। ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।